आज सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आगरा दौरे पर रहेंगे। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीए पर जन जागरण अभियान के तहत जनसभा में शामिल होंगे। आगरा के कोठी मीना बाजार ग्राउंड में ये जनसभा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा की ये पहली बड़ी रैली होगी। रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह संबोधित करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में ये रैली आयोजित की जा रही है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। गुरुवार को ये दोनों रायबरेली पहुंचे। सोनिया आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ रहेंगी। आज एक बड़ी बैठक भी होनी है। इसमें पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष रहेंगे। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। गोरखपुर में आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन शुरू होगा। इसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। वो 5 दिनों तक गोरखपुर में रहेंगे। ये सम्मेलन आज से 27 जनवरी तक चलेगा। मोहन भागवत 26 जनवरी को सरस्वती शिशु मंदिर या फिर नगर महापालिका मैदान में झंडारोहण भी करेंगे। सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी लखनऊ में गंगा रथों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। जल शक्ति विभाग द्वारा आयोजित इस यात्रा में बिजनौर और बलिया के लिए गंगा रथों को रवाना किया जाएगा। सीएम आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम आदेश देते हुए प्रदेश के प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत दूसरे अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई के दौरान पक्षकारों के वकीलों को अपनी लिखित बहस आज तक दाखिल करने के लिए कहा है। विशेष अपीलों में एकलपीठ के 30 मार्च 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने सरकार के 7 जनवरी 2019 के शासनादेश को रद्द कर दिया था। अगली सुनवाई में शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों की ओर से अपना पक्ष और दलीलें पेश की जाएंगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग भले ही सुप्रीम कोर्ट से साफ हो चुका हो लेकिन साधु संतों में मंदिर निर्माण को लेकर दो फाड़ देखने को मिल रहा है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने जहां अपने प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल को लेकर संतों के बीच सम्मेलन किया है, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिविर में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें ओंकारवाद की तर्ज पर भव्य राम मंदिर का मॉडल पेश किया गया जिसके बाद माना जा रहा है कि संतों के बीच मंदिर निर्माण को लेकर होड़ मची है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन बुधवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रहे प्रशिक्षण शिविर में बहुमुए मऊ गेस्ट हाउस में पहुंची जहां प्रदेश के कई जिलों से आए कांग्रेस के पदाधिकारियों से प्रशिक्षण शिविर में रूबरू हुई। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर गेस्ट हाउस से बाहर निकले कांग्रेस पदाधिकारियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस पदाधिकारियों ने गेस्ट हाउस से निकलते ही सोनिया, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर प्रियंका की सक्रियता के बाद एक बार फिर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूदा सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाकर अब संघर्ष के मूड में नजर आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने के लिए कुशीनगर के युवाओं द्वारा लगातार 3रे साल युवा संकल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। देश प्रेम से भरे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र सोमनाथ बोस मौजूद रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र सोमनाथ बोस ने सबसे पटोना नगर के सुभाष चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को युवा संकल्प दिवस घोषित किए जाने की मांग को लेकर कुशीनगर के युवा पिछले 3 सालों से नेताजी के जन्मदिन के दिन पूर्व युवा संकल्प दिवस कार्यक्रम मनाते हैं। यूपी के पीलीभीत जिले में शासन द्वारा प्रस्तावित कामधेनु डेयरी अब बारात घर में तब्दील हो गई है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इस मसले की शिकायत के बाद जिले के जिलाधिकारी ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दरअसल सीएम योगी ने कामधेनु डेयरी बनवाने के लिए करीब 50 लाख रुपए का बजट पास किया था लेकिन कामधेनु डेयरी की बदहाल स्थिति है। अब कामधेनु डेयरी बारात घर में तब्दील हो गई है। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई जिसके बाद जिले के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने इसका संज्ञान लिया और मामले की जाँच की। उसके बाद ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया।
रायबरेली में एक बार फिर सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पिछले कई घंटों से मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन उग्र होता देख मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी को तैनात कर दिया गया और प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर हाथापाई भी हो गई। विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। किला बाजार टाउन हॉल में रात को चल रहे प्रदर्शन पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। कई महिलाओं को हाल ही के अंदर बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। उनका ये कहना है कि सीए और एनआरसी को लागू करने के फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता भी की है। हल्द्वानी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच मुस्लिम महिलाओं का सीए और एनआरसी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना जारी है। रात के 12 बजे भी सीए और एनआरसी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने ताज चौराहे पर देशभक्ति नारों के साथ केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की दमनकारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो देश को बांटे और अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका धरना तब तक रहेगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस नहीं लिया जाता। धरने पर बैठी महिलाओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून में सभी जाति और धर्म के लोगों को शामिल किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि अगर कार्यकर्ता अनुशासनहीनता करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं की मेरे रहते हुए पार्टी में वापसी नहीं होगी। देहरादून में दुकानों पर चाउमीन बनाते दिखे दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत। हरीश रावत का चाउमीन बनाने का वीडियो वायरल भी हो गया। चाय जलेबी के बाद अब हरीश ने चाउमीन बनाया जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पिछले कई दिनों से नैनीताल में रिहर्सल चल रही है। अब 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इस परेड में रेगुलर पुलिस के अलावा ट्रैफिक फायर पीएसी और सीपीयू के जवान हिस्सा लेंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर जिले में अलर्ट घोषित किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत सदस्य आशा धपूला के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई बातचीत में जाति को लेकर कुछ अपशब्द कहने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने से प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद ने कहा है कि राजेंद्र भंडारी बीते 30 सालों से राजनीति में है, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बीजेपी की साजिश है। देहरादून में पुलिस मुख्यालय सभागार में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न संबंधित विभागों के साथ एक समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम और घटित अपराधों के अनावरण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम और घटित अपराधों में शीघ्र कार्रवाई किए जाने हेतु महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से पूर्ण प्रयास किए जाते हैं, परंतु संबंधित विभागों के आपस में समन्वय न होने के कारण अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पा रहे। हल्द्वानी के ताज चौराहे पर मुस्लिम महिलाओं ने एनआरसी और सीए के विरोध में प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा गीत गाकर अपना विरोध जताया। साथ ही पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सीए कानून को वापस लेने की मांग की। दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन में शामिल होकर आई कई प्रदर्शनकारी महिलाओं ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। उत्तराखंड में सरकारी विभाग के अधिकारियों की प्रमोशन पर लगी रोक को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन अल्मोड़ा के गांधी पार्क में किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सरकार से मांग की कि प्रमोशन और तमाम सुविधाओं और लगी रोक जल्द से जल्द खत्म की जाए। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को ऐसे ही अनसुना करती रहेगी तो कर्मचारी प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही 27 जनवरी को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान भी किया गया। रामनगर का कोसी बैराज इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इन दिनों दरअसल सुरखा पक्षी बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। इन पक्षियों के यहाँ आने से पर्यटकों का जमावड़ा भी लगने लगा है और दूर देशों से आने वाले ये पक्षी अपने साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। वहीं वन विभाग के लिए इन परिंदों की सुरक्षा भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ इनके शिकार किए जाने की आशंका बढ़ जाती है। वन विभाग पक्षियों की सुरक्षा के लाख दावे करता है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि बैराज में लगे सीसीटीवी कैमरे पिछले 3 महीनों से खराब पड़े हैं जिससे कभी भी सुरखा पक्षियों के शिकार होने की संभावना बनी हुई है।
रामनगर के कालसी के सहिया बाजार में अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे घरेलू सिलेंडर की सूचना पर प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई की। अचानक हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। एसडीएम कालसी अपूर्वा सिंह के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और खाद्यान्न विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई के दौरान होटलों और ढाबों से 19 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया। होटल ढाबों के संचालकों के खिलाफ चालान भी किया गया। वहीं एसडीएम कालसी ने अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले होटल और ढाबों के व्यवसायियों को चेतावनी देते हुए जमकर फटकार भी लगाई। टिहरी में अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और पदोन्नति पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की। धरना कर रहे लोगों ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर सरकार इस तरह अपनी मांगों को अनसुना करती रही तो फिर उग्र आंदोलन भी होगा। बदायूं में सीए के समर्थन में एक मानव श्रृंखला का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के इंदिरा चौक से लेकर गांधी ग्राउंड तक कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें सीए के पक्ष में एक दूसरे के हाथ पकड़कर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक्ट का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 5वीं वर्षगांठ पर बागला जिला अस्पताल में पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मेरी बेटी मेरा अभिमान के अंतर्गत बेटियों को जन्म देने वाले माता पिता को बेटी के जन्म प्रमाण पत्र और मिष्ठान देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हरदोई में कुपोषण मुक्त करने के लिए जिलाधिकारी का अभियान मिशन 120 रंग ला रहा है। लगभग एक साल पहले कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका नाम था मिशन 120। मिशन 120 के दोनों चरणों में लगभग 3,400 बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। अब जिलाधिकारी ने मिशन 120 के तृतीय चरण की शुरुआत कर दी है, जिसमें 120 गांव को जिला स्तरीय अधिकारी सहित प्रधान एनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाएंगे। हर अधिकारी दो गांवों को अपना समय देगा। हर माह जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर सीकरी में महिलाओं को दी जाने वाली दवा का जखीरा फतेहपुर सीकरी मंडी रोड के किनारे गड्ढे में पड़ा मिला। इसकी सूचना मिलते ही फतेहपुर सीकरी सामुदायिक केंद्र में खलबली मच गई और आनन फानन में वहां के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप डालते रहे। फतेहपुर सीकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम आनन फानन में उन दवाओं को इकट्ठा करने के लिए पहुंच गई। इस पर सीएमओ डॉक्टर का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये दवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाँव गाँव में गर्भवती महिलाओं को वितरित की जाती है। दवा की एक्सपायरी भी जुलाई 2020 की है। मिर्जापुर में खेत में पंप सेट बंद करते समय अचानक कच्चा कुआं ढहने से एक युवक कुएं में गिर गया। कुआं ढहने की वजह से वो मिट्टी के मलबे के नीचे दब गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। रात होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी जरूर हुई, मगर लाइट की व्यवस्था कर जेसीबी की मदद से मिट्टी को निकाला जा रहा है। हापुड़ में जीएसटी डिपार्टमेंट के करीब एक दर्जन से भी ज्यादा अधिकारियों ने आरएसी पेपर्स लिमिटेड कंपनी में जीएसटी में कमी की सूचना पर छापेमारी कर अधिकारियों ने कंपनी के भीतर कई घंटों तक जांच की, जिसमें अधिकारियों को कुछ कमियां भी हाथ लगी। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की और गहनता से शुरू कर दी। जांच करने के पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर फर्म की रेकी कराई गई। अभी लेखकों का ऑनलाइन चेक किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया कमियां पाई गई, जिसके आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। कला और संस्कृति के क्षेत्र में खास पहचान रखने वाले लखनऊ के हिस्से में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दरअसल खंसाऊ में कतर आर्ट फेस्टिवल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने बताया कि इस फेस्टिवल के कई चरण होते हैं, आखिरी दौर में निर्णायकों के बताए विषय पर लाइव पेंटिंग करनी होती है। फेस्टिवल के शुरुआती दौर में 70 देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। खंसाऊ में ने सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 5 घायल बदमाशों को दबोच लिया, जबकि इनके 3 साथी फरार हो गए। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। दरौला के मछली गांव की ही यह घटना है। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से 4 तमंचे, कारतूस, 45,000 रुपए और कई सामान बरामद किए गए। ये गैंग अलग अलग जिलों में 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। फरुखाबाद में चकबंदी प्रक्रिया में मनमानी चलने पर जबरदस्त पथराव हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल जहानगंज के बंथल शाहपुर में ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम के साथ लेखपाल और राजस्व कर्मी यहां पहुंचे। उन्होंने चकबंदी कराने के पक्ष और विपक्ष में लोगों के वोट डलवाने शुरू किए। एक पक्ष में बसपा नेता प्रधान यूसुफ और दूसरे पक्ष में डॉक्टर असमत जंग मतदान कराने के लिए लाइन में लगाए गए थे, बताया ये जा रहा है।
कानपुर में एक शख्स ने इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही से हुई पत्नी की मौत से दुखी होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने सुसाइड के पहले वीडियो बनाकर सुसाइड नोट लिखकर कल्याणपुर स्थित गहलोत अस्पताल और अस्पताल की डॉक्टर को अपनी और अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार बताया। कल्याणपुर थाने में अस्पताल के खिलाफ प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा लिखाने के महीनों से दरअसल लगा रखा था। पुलिस अधिकारियों के चक्कर वो काटे जा रहा था, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। बरेली में स्कूल प्रबंधन ने टीसी मांगने पर छात्रा और उसकी मां बहन को बंधक बनाकर बुरी तरह से पिटाई कर डाली। पुलिस ने छात्रा की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। बच्ची को पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल उसे टॉफी देने के लालच को देकर दरअसल अपने घर ले गया और वहीं पर रेप की घटना को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिजनों के अनुसार बच्ची रात में अपने घर के बाहर थी, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक अनिल ने उसे टॉफी देने का लालच देकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिवार और गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। युवक को मासूम संग आपत्तिजनक हालत में देखकर आरोपी को परिजनों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पीड़ित बच्ची की हालत बिगड़ जाने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्ची की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के दो युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से छात्रा दहशत में बताई जा रही है। उधर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी युवक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घने कोहरे का फायदा उठाकर पड़ोस के ही दो युवकों ने छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना की जानकारी छात्रा ने अपनी सहेली को दी, जिसके बाद छात्रा के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। डंडे से पीट पीट कर युवक की हत्या के बाद शव को खेत में फेंकने की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटों के अंदर ही खुलासा कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि युवक की हत्या प्रेम संबंध के चक्कर में हुई। युवक को उसकी प्रेमिका के पिता ने ही पीट पीट कर मार डाला और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के पिता ने यह स्वीकार किया है कि मंगलवार को रात करीब 8 बजे उनकी बेटी घर से बाहर गई थी। घंटे भर बाद जब वो वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश में वो निकल पड़े। अपनी बेटी को महेश के साथ देखकर अवधेश का खून खौल उठा। अवधेश ने लाठियों से मार मार कर युवक की हत्या कर दी। सीतापुर में मामूली विवाद के चलते दबंगों द्वारा महिला पर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया। दबंगों ने महिला पर फेंके गए तेजाबी हमले में महिला मामूली रूप से घायल हो गई। पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर महिला को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मोहल्ले के 4 लोगों के खिलाफ मारपीट और तेजाबी हमले की संगीन धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना रामपुर थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके में एक शख्स ने अपने घर के बाहर खुद को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लहूलुहान देवेंद्र के पड़ोसियों और परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि कुछ समय से मृतक परेशान चल रहा था, शायद इसी वजह से उसने खुद को गोली मार ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई। पूर्व विधायक ठाकुर मूलचंद के बेटे उपेंद्र ठाकुर को गोली लगने से दरअसल उनकी मौत हुई। नई मंडी थाना क्षेत्र के वसुंधरा कॉलोनी की रोड की घटना ये बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले से सरकारी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से बस चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घने कोहरे के चलते बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अमरोहा के देहात थाना इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र को उसके साथी ने गोली मार दी। छात्र को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल छात्र के साथी के साथ साथ कोचिंग में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसके साथी ने उसको गोली मार दी। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ताजा मामला सिंधोली कोतवाली NH 24 का है, जहां बारात से वापस आ रही एक कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सामने जा रहे ट्रक से जा घुसी। हादसा इतना भयावह था कि दोनों ट्रकों के बीच कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार में सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गाड़ी से सभी को निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां युवक का उपचार जारी है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चोरों के हौसले वाकई बुलंद है। मॉल के बाहर खड़ी कार से कीमती सामान चोरों ने चुरा लिया। कार सवारों चोरों ने कार के बराबर में कार खड़ी की और कार से सामान चुरा लिया। कार में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो गई। बिसरक थाना क्षेत्र के गौर सिटी मॉल के बाहर की ये पूरी घटना है। सुल्तानपुर जिले के धनुआ बड़ी बहन से छोटी बहन की हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि घर वालों को प्रेम संबंध का बात बताने से छोटी बहन नाराज थी बड़ी बहन से। इसके चलते बड़ी बहन ने छोटी बहन की हत्या कर दी। मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कई पुलिसों की टीम गठित कर मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतका की बड़ी बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मृतका की बड़ी बहन ने ही साक्षी का गला दबाकर हत्या की। लखनऊ में काम करते वक्त आरा मशीन से कटकर युवक की मौत हो गई। मृतक युवक टिम्बर फैक्ट्री में काम करता था। काम करते वक्त युवक के साथ हादसा हो गया जिससे उसकी मौत हो गई। बागपत के बड़ौद कोतवाली में एक सांड टहलते हुए अचानक बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद खेत का आए कुछ लोगों ने जब सांड की आवाजें सुनी तो उसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों को दी। साथ ही पुलिस को भी सांड के बोरवेल में फंसने की सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस टीम वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से सांड का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान सांड के बोरवेल में फंसने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सांड को सकुशल बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया है। मेरठ के मीरपुर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में अवैध नर्सिंग होम चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर डिलीवरी करते पकड़ा, जिसके बाद मौके से झोलाछाप महिला चिकित्सक भाग गई। आरोपी महिला एएनएम सरूरपुर सीएचसी पर तैनात है। आरोपी पर अवैध रूप से घर में गर्भपात कराने के रूप में मोटी रकम वसूलने की शिकायतें सीएमओ ऑफिस को मिली थी। टीम ने छापेमारी में गर्भपात डिलीवरी के उपकरण भी बरामद किए। बहराइच में सड़क हादसे में ग्राम विकास अधिकारी की मौत हो गई। गोंडा बहराइच सड़क पर अज्ञात वाहन के टक्कर से ग्राम विकास अधिकारी की मौत हो गई। इलाज हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीडीओ सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में सुलभ शौचालय के अंदर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो हथियारबंद बदमाशों ने एलआईसी एजेंट से 3 अंगूठियां लूटकर वो फरार हो गए। तीनों अंगूठियां सोने की थी। अंगूठियों की कीमत उसमें नग भी लगे थे। तो अज्ञात बदमाशों ने हेलमेट लगाकर हथियारों की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आयुष्मान खुराना एक बार फिर मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान को लेकर लाइमलाइट में है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जो फैंस को खूब पसंद भी आ रहा है। ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है। ट्रेलर में एक बार फिर आयुष्मान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। ट्रेलर पर मिल रहे फैंस के रिस्पॉन्स से मूवी मेकर इतने खुश हुए कि ट्रेलर की सक्सेस पार्टी तक दे दी। पार्टी में मूवी की पूरी टीम काफी मस्ती करती नजर आई। इन दिनों बॉलीवुड में हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का ट्रेंड चल रहा है। बात कंगना की करें तो कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था और अब कंगना एक बार फिर ऐसी ही फिल्मों पर दांव लगाना चाहती हैं। मणिकर्णिका फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभा चुकी कंगना से ये पूछे जाने पर कि क्या वो बिहार के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति पर कोई फिल्म करना चाहती हैं, तो कंगना ने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म बनाना चाहती हूँ।